मैथ कक्षा 7 हिंदी मीडियम चैप्टर 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.1 सम नंबर 6। तो इसमें कहते हैं कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परनीत के पास जितने कंचे हैं, यानी कि परनीत परमीत की जो है उसने संख्या नहीं दे रखी, उसके 5 गुना से अधिक कंचे हैं किसके पास, और इरफान के पास। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप छठा सम का पहला पार्ट माना परमीत के पास कंचे M और इरफान के पास, इरफान के पास कंचे जितने पास परनीत के पास कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक, 5 गुणा M से 7 अधिक। यदि इरफान के पास 37 कंचे हैं तो कंचों की संख्या निकालो। तो यानी कि 5 गुणा M, तो ये हो गया 5M जमा के 7 बराबर 37, 5M बराबर 37 घटा 7, 5M बराबर 30, M बराबर 30 बटे 5, 5 6 30, तो M बराबर 6 कंचे उसके पास हैं। अब देखो, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुणे से 4 अधिक है, यानी लक्ष्मी की आयु जो है वो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी आयु के 3 गुणे से 4 अधिक है उसके पिता की आयु, यानी 49 वर्ष है। तो यहाँ हम मान लेंगे, दूसरा सम है कि माना लक्ष्मी की आयु वाई और उसके पिता की आयु जो है 3 गुणा से 4 अधिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 49 आ गया। ये अब ये देखो कि 3y जमा में 4 बराबर 49, 3y बराबर 49 माइनस के 4, 3y बराबर 45, तो y बराबर है 45 बटे 3, तो 3 15, यानी कि लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। तो लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंकों का दुगुना 7 है। अधिकतम, तो न्यूनतम अंकों को एल लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे माना न्यूनतम अंक L, माना न्यूनतम अंक L, ठीक है, और अधिकतम अंक जो है अधिकतम अंक जो है न्यूनतम अंकों का 7 गुना, तो 7 गुना में L
न्यूनतम अंक का दुगुना धन सात है, तो दो से गुणा कर लेंगे इसको, अधिकतम अंक 87 है, तो 87 दो एल जमा में सात बराबर 87। अब ये समीकरण आपने अपने आप पूरी करनी है, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके दो सम पहले करवा चुका हूं मैं। अब देखो, एक समद्विबाहु बहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का आधार दुगुना है, मान लीजिए कि आधार कोण डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु इसकी ये दो भुजा बराबर हैं, इसमें शीर्ष कोण आधार कोण का दुगुना, ये शीर्ष कोण हो गया, ये आधार कोण हो गए, आधार कोण का दुगुना ये शीर्ष कोण है। तो मान लीजिए, माना आधार कोण बी, ठीक है, शीर्ष कोण आधार कोण का दुगुना तो 2b, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो बी जमा में 2b और जमा में बी बराबर 180, एक दो तीन और एक चार, बी बराबर 180, तो बी बराबर 180/4, तो ये आ गया 45 डिग्री। तो 45 का ये हो गया, 45 का ये हो गया, 45 गुणा में 2 ये हो गया, 90 डिग्री का ये कोण हो गया। तो इस तरह से आपने निकालने हैं। थैंक यू।